नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती, आज हम बात करेंगे चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर। केंद्र सरकार के साथ साथ अब राज्य सरकारी कार्यों में भी डिजिटल मोड पर काम करने की बात कही जा रही है। बिहार में तो खासकर सभी विभागों को इस ओर कार्य करने की बात कही भी गई है। बिहार सरकार ने ऑनलाइन कार्यों को लेकर जोर देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अगर निवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो वह अब ऑनलाइन इसे करवा सकता है। ऐसे में अब बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन देना है। बता दें कि बिहार में पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना अब बेहद ही आसान हो गया है। इसके लिए अब आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और ना ही किसी भी अधिकारी या फिर कर्मचारी की जेब गर्म करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर 14 दिनों के अंदर आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो पुलिस अधिकारी पर ₹250 रोजाना की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर गृह विभाग ने पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने यह भी कहा है कि एक सप्ताह के अंदर निश्चित रूप से लंबित आवेदकों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर गृह विभाग के सचिव सेंथिल कुमार की तरफ से यह जारी पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार लोक सेवाओं के अधिकार के अंतर्गत ऑनलाइन चरित्र उपलब्ध करवाए जाने की तय समय सीमा के बाद भी आवेदन लंबित है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि नियमानुसार चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के आवेदकों का निस्तारण पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 14 कार्य दिवस के अंदर करने का प्रावधान है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर यह काम तय समय पर नहीं होता है तो एकमुश्त कम से कम ₹500 और अधिकतम ₹5,000 दंड वसूलने का नियम बनाया गया है। यह भी कहा गया है कि दंड ₹250 प्रतिदिन विलंब के अनुसार आरोपित पर किया जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र बेहद ही जरूरी दस्तावेज है, यह आपके बेहद ही काम आने वाला भी दस्तावेज है। अगर आप किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपके चरित्र के बारे में उन्हें प्रमाणीकरण देना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष विभाग में किसी भी प्रकार के काम या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर ठेका लेते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, विद्यालय आदि में एडमिशन प्राप्ति करने के लिए भी आपको इस दस्तावेज की जरूरत पड़ती है। बिहार में अगर आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को काफ़ी सरल तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले आपको सर्विस प्लस बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे कि आप सर्विस प्लस बिहार की वेबसाइट पर जाएंगे, आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको गृह विभाग की सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद अब आपको इस आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बाकी सारी जानकारियां, पूछे जाने वाली जो चीज़ें हैं वो भरना होगा। जानकारी भरते समय आप स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें। अब आपको भरे हुए फॉर्म को फिर से चेक करना है और अगर आपने सभी जानकारी सही भरा है तो अब आपके सामने अटैच एनेक्सर पर क्लिक करना होगा। इसके सामने दस्तावेज जमा करने का टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें कि डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, आपको अपलोड कर देना है। सारी जानकारी सबमिट करने के बाद अंत में आपको आवेदन फॉर्म को अच्छे से देख लेना है, सारी जानकारी चेक करनी है तथा सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, आपका आवेदन जमा हो जाएगा। तो ये थे चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर जानकारी, क्योंकि अगर आप किसी भी सरकारी काम या फिर गैर सरकारी जैसे कि ठेकेदारी या फिर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उन सब चीज़ों में जो है यह चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। सबसे अहम बात यही है कि अब जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि इसे जो ऑनलाइन कर दिया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।